मध्य प्रदेश के विदिशा में कुछ लोगों ने कांग्रेस के नेता की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि कुछ लोगों ने कांग्रेस नेता अशोक जैन को पहले रस्सी से बांध दिया और फिर उन्हें घसीटने लगे। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उनके साथ मारपीट करने लगे, जिसमें कांग्रेस नेता अशोक जैन बुरी तरीके से घायल हो गए। हाथ टूट गया मेरा, ये दांत टूट गया और इतनी क्रूरता से रस्सियों से बांध बांध के उनने मेरे साथ मुझको मारा है। वहीं पुलिस ने मामले को संपत्ति से जुड़ा बताया और कार्यवाही करते हुए वीडियो में दिख रहे चार आरोपियों को पकड़ लिया। उधर भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे मामले में रोज नए राज से पर्दा उठ रहा है। पुलिस ने आरोपी समर सिंह से पूछताछ में कई राज उगलवाए। फिलहाल रिमांड पूरी होने के बाद समर सिंह को वापस वाराणसी जेल भेज दिया गया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आकांक्षा दुबे ने 25 मार्च की रात समर सिंह को दो बार कॉल किया था। समर सिंह के मुताबिक फोन पर आवाज साफ नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से बात नहीं हो पाई। समर सिंह ने पुलिस को बताया कि वो थका हुआ था, इसलिए फोन को फ्लाइट मोड में डालकर सो गया। फिलहाल पुलिस ने समर सिंह का मोबाइल फोन और उसकी गाड़ी जब्त कर ली है। पूछताछ में समर सिंह ने बताया कि 25 मार्च को वो गोरखपुर में था और 26 मार्च को उसे वाराणसी से फ्लाइट के जरिए मुंबई जाना था। समर सिंह के मुताबिक उसके परिजनों ने उसे आकांक्षा की मौत की खबर दी थी, जिसके बाद उसे मुंबई जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और कार से सीधा लखनऊ पहुंचा। जिसके बाद उसने लखनऊ की गोमती नगर विस्तार में अपने फ्लैट में गाड़ी खड़ी की और गाड़ी में ही मोबाइल फोन छोड़कर गाजियाबाद के लिए निकल गया। इसके बाद वो अलग अलग शहरों में ठिकाने बदलता रहा और 6 अप्रैल की रात पुलिस ने उसे गाजियाबाद के एक फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया। समर सिंह से पूछताछ में पता चला कि उसने आकांक्षा के साथ 25 म्यूजिक एल्बम में काम किया था। बताया गया कि फिलहाल पुलिस को इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिले। टीएमसी नेता मुकुल रॉय के लापता होने पर कोलकाता पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, जबकि खबर है कि मुकुल रॉय दिल्ली में मौजूद हैं। यही वजह है कि कोलकाता पुलिस ने दिल्ली में उनकी तलाश के लिए एक टीम भेज दी। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में बीजेपी नेता पीयूष कनोडिया से पूछताछ भी शुरू कर दी, क्योंकि पुलिस को जानकारी मिली कि बीजेपी नेता पीयूष कनोडिया ने ही मुकुल रॉय को एक दिन पहले एयरपोर्ट पहुंचाया था। मुकुल रॉय के लापता होने की शिकायत उन्हीं के बेटे ने पुलिस में दर्ज करवाई। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कर्नाटक में कार्ति चिदम्बरम की 11 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। ईडी ने कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ ये कार्रवाई आईएनएक्स मीडिया मामले में की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक के कुर्ग जिले में कार्ति चिदम्बरम की 4 संपत्तियों को कुर्क किया, जिसकी कीमत 11 करोड़ रुपए बताई गई। इतना ही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कार्ति के खिलाफ पीएमएलए के तहत अस्थाई आदेश जारी किया गया है। कार्ति चिदम्बरम तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से सांसद हैं और आईएनएक्स मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस की राजधानी मॉस्को में अंतरिक्ष में बनी पहली फिल्म का प्रदर्शन किया गया। द चैलेंज नाम की इस रूसी फिल्म की कुछ शूटिंग आईएसएस यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भी हुई है, जिसके लिए इस फिल्म के कलाकारों को अंतरिक्ष में भेजा गया था। रूसी फिल्म द चैलेंज के कुछ एक्टर कई दिनों तक शूटिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहे। इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों की तरह वहां दिन बताए और मुश्किलों का सामना कर अपनी फिल्म के कई सीन शूट किए। इस फिल्म का ट्रेलर इसी साल जनवरी में जारी किया गया था, जबकि 20 अप्रैल को यह फिल्म रूस के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।